विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जाम्पल है, गिवन है 2 to the power of x square minus 4 to the power of x = 16 है, गिवन है। देन फाइंड करना है हमें x का वैल्यू क्या होता है, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में 2 to the power of x square है, तो ये 2 to the power of x square एज यूजुअल लिख लेंगे, लेकिन 4 to the power of x जो है उसको 2 to the power of 2, 4 to the power of x करेंगे। तो 2 to the power of 2 मीन्स 4 ही होता है। दिस इक्वल्स यहाँ पर भी 2 to the power of 4 करेंगे, ठीक है। 2 to the power of 4 मीन्स 16 होता है। यहाँ पर बन गया 2 to the power of x square डिवाइडेड बाई 2 to the power of 2x, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। दिस इक्वल्स 2 to the power of 4। तो ये बन गया। यहाँ पर अगर क्वेश्चन रूल अगर यूज किया, क्वेश्चन रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स का क्या होता है, ए टू द पावर ऑफ एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर ऑफ एन अगर रहा तो ए टू द पावर ऑफ एम माइनस एन, एक क्वेश्चन रूल है। तो ये बेस सेम है दोनों का, लेकिन पावर अलग अलग रहते हैं, तो डिवीजन में है, इसलिए ए टू द पावर ऑफ एम माइनस एन बनते हैं। तो यहाँ पर भी बेस सेम है, ये एम एम समझ लो, ये एन समझ लो, तब ये बनता है 2 to the power of x square minus 2x, ओके। दिस इक्वल्स 2 to the power of 4। अभी यहाँ पर दोनों बेस सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा। तो ये बनता है x² - 2x = 4। तो ये 4 इस साइड में लाओ, तो ये x² - 2x - 4 = 0 बनता है, ठीक है। तो ये और एक बार लिख लेंगे इधर, x² - 2x - 4 = 0। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये माइनस फोर है, ये जो माइनस नेगेटिव फोर है, इसे हम थोड़ा अल्टर करेंगे। क्या करेंगे, देखो x² - 2x यूजुअल रहने दो, तो ये माइनस फोर, इसको मैं +1 करता हूँ और -5 करता हूँ, सेम होता है, +1 - -5 मीन्स -4 ही बनता है, ओके। ये चेंज किया, इसको चेंज किया, इसको चेंज करके +1 - -5 किया, तो ये -4 ही बनता है। दिस इक्वल 0 करता है। हमें यहाँ पर परफेक्ट स्क्वेयर चाहिए हमें। यहाँ पर हम ये भाग बनते हैं x, ये माइनस है इसलिए माइनस, ये लास्ट में 1 है, 1 ये x - 1 का परफेक्ट स्क्वेयर है। तो बाद में ये -5 या एज यूजुअल, दिस इक्वल 0। आप ये -b होल स्क्वेयर का फॉर्मूला और ये एक्सपांड करके देखो, ये -b ये स्क्वायर +b², ये 1 मीन्स 1 स्क्वायर समझ लो, -2 times x into 1 ये बनता है, ठीक है। तो ये x, ये -5 है, राइट साइड में लो, तो x - 1 होल स्क्वायर = +5 बनता है। तो हमें ये निकालना है, तो ये अगर इसे निकालना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लो और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लो, तब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल जाएगा, तो x - 1 रिमेनिंग रहेगा। दिस इक्वल्स +r - √5, ओके। तो -1 है इस साइड में लाओ, तो पॉजिटिव, राइट साइड में आने के बाद वो +1 बनते हैं, 1 + r - √5। यानी x का वैल्यू हमें यहाँ पर 2 मिल रहा है, एक प्लस में एक माइनस में। तो हम यहाँ पर x1 समझ लेंगे, 1 x1 = 1 + √5, x2 = 1 - √5, ये हमारा फाइनल आंसर है, 1 + r - √5। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।